2.0 से लगातार बनी हुई है। रीमा, और कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि देखिए उम्मीदें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए मोनिका, मैं पहले भी इस बात को दोहरा रही थी कि ये आखिरी फेज ही चल रहा है कल से लेकर आज तक, लेकिन छोटी सी भी रुकावट इतनी बड़ी बाधा के तौर पे आ रही है हमारी टीमों के सामने, हमारी एक्सपर्ट्स टीमों के सामने, जो कि लंबा वक्त खिंच जा रहा है। मैं बहुत आसान शब्दों में अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि अंदर क्या कुछ हो रहा है। दरअसल हो ये रहा है कि एक ऐसा पूरा सरिया का एक पूरा जंजाल आ चुका है, एक पूरा एरिया आ चुका है जिसको काटने में, वो 50 mm का है, उसको काटने में NDRF की टीमों को गैस कटर लेकर जाना पड़ा। जब वो देर रात तक कटा, उसके बाद फिर वेल्डिंग का काम, और उसके बाद अभी भी 12 मीटर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जब ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है तो क्योंकि ये हिमालय जो है वो कच्चा पहाड़ है, कहीं पे इसमें चट्टाने और कहीं पे इसमें मिट्टी, यही दिक्कतें बीते 12 दिन में आती भी रही है, यही हो रहा है। यानी अब जो पूरा प्रोसेस किया गया, उस बीच मलबा आ गया वहां पे, तो जो NDRF की कुछ टीमें, मतलब ऐसा लगता है कि 10 लोग शायद वहां तक पहुंचे हैं, और वही ये गैस कटर से काटने का काम भी कर रहे हैं और पूरे एरिया को क्लीन भी कर रहे हैं, और वो इस बात का मुआयना भी कर रहे हैं कि जो अंदर लोग हैं यानी जो मजदूर हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं है। तो आज अब कितना वक्त लग सकता है ये कहना तो अभी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कल से हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि किसी भी वक्त ये खुशखबरी आ सकती है, लेकिन तब तक हमें ये नहीं मालूम था कि एक ऐसी बाधा सबके सामने होगी, एक्सपर्ट्स टीमों के सामने होगी, जिसकी वजह से इतना लंबा वक्त लग जाएगा। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि ये आखिरी फेज है, आखिरी काउंटडाउन है। लेकिन मोनिका, मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी, और मैं दर्शकों के सामने यही कहूंगी कि जब मैं यहाँ पे ना एम्बुलेंस की लगातार गाड़ियां और टीमें दिखाना शुरू कर दूं, तब दर्शकों को ये मान लेना होगा कि यहाँ पे सब कुछ ओके है और यहाँ से मजदूरों को ले जाया जा रहा है। लेकिन अभी मूवमेंट क्या है वो मैं दिखाती हूँ। अभी भी कुछ कुछ चीजों की जरूरत है। ये जो गाड़ी अभी सामने लाइव जो जा रही है गाड़ी, इसका काम है मलबा वहां से हटाना, यानी अभी भी मलबा वहां पे है और उस मलबे को हटाना बहुत जरूरी है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत कम वक्त लगने वाला है, ये सारे मूवमेंट उसी तरीके से है। हाँ, पूरी रात जो ऑफिसर्स हैं वो रात भर जग के काम करते रहे हैं, मीडिया कर्मी लगातार डटे रहे कि हम सबको उम्मीद थी कि शायद देर रात तक या फिर बहुत सुबह सुबह ऐसी खबरें आ जाएंगी कि मजदूर निकलने लगेंगे, लेकिन ये नहीं हो पाया। लेकिन अभी भी हम अपने दर्शकों को उम्मीद ये दिलाते हैं कि जल्द से जल्द हमारी टीमें ये करने की कोशिश कर रही है। ये दुनिया भर की एक्सपर्ट्स टीमें यहाँ बैठी हुई है, और NDRF की वो टीम जो आखिरी फेज में यानी अंदर जाने और मजदूरों को एक एक करके ट्रॉली के जरिए लेकर आने, स्ट्रेचर के जरिए लेकर आने की पूरी प्रक्रिया जो है, ये NDRF की टीमें फाइनल राउंड में करने वाली है, क्योंकि यही एक्सपर्ट्स टीमें होती है। NDRF को ही पता होता है कि आपदा में या कोई आदमी बहुत डरा हुआ है या उसकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है तो उसको बाहर निकालते कैसे, तो ये काम किसको करना है, NDRF को करना है। मोनिका, बिल्कुल रीमा, तो कहीं ना कहीं देखिए आखिरी चरण में है, उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन खत्म हो। चुनौतियां जरूर है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर तमाम लोग डटे हुए। शुक्रिया रीमा, फिलहाल इस तमाम